गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं दशमलव का भाग। पिछली कक्षा में आपने देखा होगा, हमने सीखा था दशमलव का गुणा। तो चलिए हम एक बार उसको फिर से रिपीट करते हैं कि दशमलव का गुणा हमने कैसे किया था। मान लीजिए मेरे पास कोई सवाल है 4.283 और इसमें मुझे 100 का गुणा करना है, ठीक है। तो हमने क्या सीखा था, हम क्या करते हैं, जब हम किसी दशमलव संख्या में 10, 100, 1000 का गुणा करते हैं तो वह गुणा बेहद आसान होता है, ठीक है। इसको मैं लिख लूंगा 4283, ठीक। अब देखना यह है कि हम दशमलव कहाँ लगाएं, ठीक है। तो यहाँ देखिए हमारे पास एक के बाद कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, ठीक है। तो जो दशमलव है वह 2 अंक दाईं ओर शिफ्ट होगा इधर, ठीक है। अभी दशमलव 4 और 2 के बीच में है, 2 अंक दाईं ओर शिफ्ट होगा 2, 8 और 3 के, 8 और 3 के बीच में आएगा यहाँ, ठीक है। यहाँ था 2 जीरो है तो 2 अंक दाईं ओर चला गया, 1, 2 और यहाँ लग गया, ठीक। यही हमने पिछली कक्षा में गुणा में किया था। आज हम गुणा का विपरीत भाग पढ़ने वाले हैं, दशमलव का भाग। तो हमारे पास कुछ सवाल हैं और देखते हैं कि जब हम दशमलव का भाग करते हैं तो जो दशमलव है वह किस ओर शिफ्ट होता है, ठीक है। तो पहला सवाल है 82.5/10, ठीक। तो इसको हम लिखते हैं कुछ इस तरह से, बिना दशमलव के हम लिख दिया 8, 2, 5, 8, 2, 5। अब गुणा में हमने देखा था कि दशमलव जो है दाईं ओर शिफ्ट हो रहा है। भाग में हम देखेंगे कि जो दशमलव है, क्योंकि गुणा का उल्टा भाग होता है तो जो दशमलव है वह बाईं ओर शिफ्ट होगा, ठीक है। किस ओर शिफ्ट होगा, बाईं ओर। अब यहां देखिए 10, यहाँ कितने जीरो हैं, 1 जीरो है, तो जो दशमलव है वह 1 अंक बाईं ओर चला जाएगा और 1 अंक मतलब यह और यहाँ आएगा, मतलब जो यहाँ था दशमलव वह 1 अंक बाईं ओर चला गया और वह कहाँ आ गया, यहाँ। मतलब हमारा उत्तर होगा 8.25। बस यही ध्यान रखना है हमें, गुणा में हमारा जो दशमलव है वह दाईं ओर जा रहा था, भाग में जो दशमलव है वह बाईं ओर जाएगा। चलिए एक दूसरा सवाल देखते हैं। यहाँ है 6.3 और इसमें भाग करना है 10 का, तो इसमें भी वही है, हम लिख लेते हैं 63। अब यहाँ देखते हैं कितने जीरो हैं, 1 जीरो, तो जो दशमलव यहाँ है वह 1 जीरो है तो 1 अंक इधर आएगा और हमारा जो दशमलव है यहाँ आ जाएगा, इसे हम पढ़ेंगे 0.63। और दशमलव हमें अच्छी तरह से दिखे इसलिए हम उसके सामने लगा देते हैं 0, ठीक है। चलिए एक और सवाल देखते हैं। यहाँ है 2.83/100, 100 का भाग करना है तो इसको हम ऐसा ही लिख लेते हैं, 283 लिख लिया, 283। अब देखिए यहाँ कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं। अब हमारे पास समस्या यह है कि हमें 2 अंक बाईं ओर जाकर दशमलव लगाना है, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ तो दशमलव के बाईं ओर केवल 1 ही अंक है, ठीक है। तब ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, ऐसी स्थिति में हमें क्या करना होगा, क्योंकि यहाँ 1 ही अंक है, यहाँ 1, 2, 0 और लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली इससे। अब देखिए यहाँ 1 के बाद 2 जीरो है, दशमलव पहले यहाँ था, अब 2 अंक वह इधर आएगा तो यहाँ से 1 अंक 2 अंक और दशमलव लगेगा यहाँ, ठीक है, यहाँ और यहाँ 0 लगा लीजिए, यहाँ से 2 अंक छोड़कर यहाँ आ गया, तो यह हो गया 0.0283। चलिए एक और सवाल देखते हैं। यहाँ तो इसको फिर से लिख लेते हैं 3, 8, 4
और यहाँ कितने जीरो हैं, दो जीरो, तो दशमलव दो अंक बाईं ओर चला जाएगा, एक दो यहाँ आ जाएगा, मतलब सामने यहाँ लगा लेते हैं जीरो, तो यह हो गया 0.384। बस यही करना है हमें, जितने जीरो होंगे उतने ही अंक छोड़कर मतलब बाईं ओर दशमलव चला जाएगा। यहाँ देखते हैं, यहाँ है 1000 का भाग देना है, तो इसको लिख लेते हैं 2, 5, 3, 6, ठीक है। अब यहाँ देखिए कितने जीरो हैं, 3 जीरो, और यहाँ हमारे पास है 2 ही अंक, तो सामने 2 जीरो और लगा लेते हैं कुछ इस तरह से, उससे इसके उत्तर में कोई अंतर आने वाला नहीं है, ठीक है। तो अब देखते हैं, 3 जीरो हो गए तो 3 अंक, तो हमारे पास यहाँ था, अब वह 1 अंक 2 अंक 3 अंक यहाँ आ गया, दशमलव 0.2536। यहाँ देखिए हमें मिला 1, 4, 5, और यहाँ 3 जीरो है तो दशमलव 3 अंक बाईं ओर चला जाएगा, और लेकिन यहाँ पर तो केवल एक ही है, यहाँ तो दशमलव है, तो इसके आगे हम जीरो लगा लेते हैं ऐसा, ठीक है। अब 3 जीरो है तो 3 अंक इधर, 1, 2, 3 यहाँ, तो ये हो गया 0.00145। तो हम क्या देख रहे हैं, जब भी हम भाग कर रहे हैं 10 का 100 का 1000 का, तो उसमें जितने जीरो होंगे उतने ही अंक जो है दशमलव बाईं ओर चला जाता है, ठीक है, उतने अंक छोड़कर हमें दशमलव लगाना है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। कोई और सवाल लें क्या, कोई सवाल जैसे 4.28 × 100, चलिए नहीं, क्योंकि हम भाग पढ़ रहे हैं भाग। अब देखिए इसके साथ क्या होने वाला है, तो यह हो गया 4, 2, 8, ठीक है। अब यहाँ है 2 जीरो और हमारे पास है दशमलव के बाईं ओर केवल 1 ही अंक, ठीक, तो क्या करें, इधर और लगा लीजिए 0। अब देखिए 2 जीरो है तो दशमलव भी 2 अंक इधर आएगा, यहाँ था तो 1 अंक 2 अंक यहाँ आएगा, ठीक, तो यह होगा इसका आंसर 0.0428। तो आपको यह बात ध्यान रखना है कि जब भी हम 10, 100, 1000 का गुणा करते हैं तो दशमलव जो है दाईं ओर चला जाता है, जितने जीरो होंगे उतने ही अंक छोड़कर, और जब हम उसका भाग करते हैं, गुणा का विपरीत होता है भाग, तो जो दशमलव है वह किस ओर चला जाता है, बाईं ओर चला जाता है, जैसा हम देख रहे हैं इन सब में जो दशमलव है बाईं ओर चला गया है। तो यह रहा दशमलव का गुणा और भाग, जब हमें 10, 100, 1000, 10000 का गुणा करना हो। अगली कक्षा में हम दशमलव से संबंधित कुछ और सवाल लेकर आएंगे।